mom इज वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल तो फाइनली एक साल के बाद हमको ऑल सीजन देखने को मिल रहा है अब ये मिनी ऑल्ट सीजन रहता है या मेगा ऑल्ट सीजन रहता है ये वेट टाइम ही पता चलेगा लेकिन करंटली अगर आप देखेंगे चाहे अच्छे कॉइन्स हो या पोटेटो कॉइन्स हो किसी भी कॉइन की कोई न्यूज़ है तो उसके अकॉर्डिंग आप पर कॉइन्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से कॉइन के इवेंट्स आने वाले हैं उसको कैसे वेरीफाई करें ताकि हम खुद अपने बलबूद पर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर पाएँ जब तक ये ऑल्ट सीज़न चल रहा है तो उसी के बारे में आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑल दो मैं इस टॉपिक को पहले भी कवर कर चुका हूँ लेकिन काफ़ी सारे लोग चैनल पर नए होंगे या काफ़ी सारे लोगों ने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो एक बेसिक रिकैप इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जहां पर आप, आप इजिल आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से कॉइन के इवेंट आने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग जब तक ये ऑल सीजन चल रहा है तब तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर सकते हो प्लस साथ में यहाँ पर एक और कॉइन की बात करेंगे जो है तो पोटेटो कॉइन लेकिन क्योंकि अभी मार्केट ही ऐसा चल रहा है जहाँ पर पोटेटो कॉइन्स ही सबसे ज्यादा राइज कर रहे हैं तो ये कॉइन है इसका भी इवेंट आने वाला है और ये भी अच्छा रिटर्न दे सकता है तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो आप खतरों के खिलाड़ी हो अपने आप को बाजीगर समझते हो तो डेफिनेटली इस कॉइन को, को फॉलो कर सकते हो एंड इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो लेकिन अपनी रिसर्च उससे पहले जरूर करना तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या ऐसे इंसान हो जो चैनल पर बार बार आते हो लेकिन कभी सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आज कर लो सब्सक्राइब वीडियो को भी कर दो लाइक और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी दबा दो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो मैटर करते हैं और फिर उन्हें फाइंड कैसे करना है तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं जो ज़्यादा मैटर करते हैं जैसे अगर किसी कॉइन का हार्ट फोक होने वाला है तो वो एक मेजर इवेंट माना जाता है अगर किसी कॉइन का मेन नेट रिलीज़ आने वाला है तो उसको भी एक मेजर इवेंट माना जाता है कोई कॉइन अपना टोकन शॉप कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वो इथीरियम पे थे फिर वो अपनी खुद की ब्लॉक चेन को लेकर आने वाले तो वहाँ पर टोकन शॉप हो रहा है तो वो मैटर कर जाता है या फिर अगर एयर ड्रॉप हो रहा है कि अगर आपने ये सर्टन कॉइन होल्ड कर रखा है तो इसके बदले में आपको नए टोकन मिलेंगे या वही सेम टोकन और एडिशनल एयर ड्रॉप में मिलेंगे तो ये एक काफ़ी मेजर इवेंट हो जाता है मतलब ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है उसके बाद पार्टनरशिप अनाउंसमेंट भी एक मेजर इवेंट हो सकता है अगर प्रोजेक्ट ये बोलता है कि हम किसी बड़े फर्म के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं मोस्टली यहाँ पर सैड केसेज आते हैं लेकिन ये भी इवेंट है जहाँ पर एट टाइम्स प्राइस के अंदर राइज देखने को मिला है उसके बाद मेजर प्लेटफॉर्म रिलीज या मेजर अपग्रेड रिलीज मतलब कोई भी बड़ा मेजर रिलीज कुछ चेंज करके एक नया कुछ लॉन्च करने वाले है और उसकी है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो थोड़े यहां पर मैटर कर जाते हैं एंड बेस्ड ऑन इन इवेंट्स की जैसे अभी जो ऑल सीजन चल रहा है यहां पर इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये काफी अच्छा रिटर्न एक तरह से यहां पर दे रहे हैं अब यहां पर बात ये आती है कि हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि कौन से कॉइन के इवेंट्स आने वाले हैं कहां पर हम जाके देखें तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको जाना है कॉइन मार्केट कैयर डॉट कॉम के ऊपर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके छोटे से लेके मेजर जो भी रिलीज आने वाले होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अपडेटेड होते हैं आप उनको यहां पर चेक कर सकते हैं एंड बेसिकली यहां पर आपको फिल्टर्स भी मिल जाएंगे आप कॉइन वाइज भी सर्च कर सकते हैं कि आपके कौन से कॉइन को देखना है कि कौन से कॉइन का इवेंट आने वाला है जैसे हमने काइबर नेटवर्क जिसका रिसेंटली सिग्नल भी दिया था एंड काफ़ी अच्छा ये रिटर्न देके गया अगर इस पर आप क्लिक करके देखते हो कि यहाँ पर कौन सा इवेंट आने वाला है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बाद अगर आप चाहें तो एक्सचेंजेस वाइज भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि जिस भी एक्सचेंज के ऊपर जो कॉइंस लिस्टेड है उनके इवेंट्स कब आने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक बार देखते हैं कि बाइनेंस के ऊपर जो कॉइन्स लिस्टेड हैं उनके कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं तो यहाँ पर जब मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो विद टाइम यहाँ पर दिख जाएंगे जिनको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो उसके बाद अगर आपको इवेंट वाइज सर्च करना है कि मैं इवेंट देखना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कॉइन है जिसका हार्ड फोक आने वाला है या सॉप आने वाला है तो उसके लिए आप यहाँ पर कैटेगरी के, के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो और सर्च कर सकते हो यहां पर आप सर्च करोगे तो यहां पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कॉइन का इवेंट यहां पर आने वाला है तो इस तरह से आप यहां पर जो भी कॉइन्स हैं उनके इवेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा कॉइन है उसका कौन सा इवेंट यहां पर आने वाला है लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर बहुत ध्यान रखना कि ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको इवेंट्स मिल जाएंगे नाइन्टी ऑफ द टाइम यहाँ पर इवेंट्स जो होते हैं ये एक्यूरेट होते हैं एट टाइम्स यहाँ पर केसेस ऐसे भी होते हैं कि गलत इवेंट्स भी एट टाइम्स पोस्ट हो जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि कोई इवेंट यहाँ पर पोस्ट हुआ लेकिन वो जो इवेंट है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है लेकिन यहाँ पर अपडेटेड नहीं है तो यहां पर यह कैसे फाइंड आउट करें कि यहां पर जो इवेंट है ये वेरीफाइड है कि नहीं है तो इनको आप खुद यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन या दो प्लेटफॉर्म है जो यूज करने पड़ेंगे पहला है ट्विटर जहां पर मेजरली आप जो कॉइन्स हैं उनके प्रोजेक्ट के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हो और अपडेटेड रह सकते हो कि क्या प्रोग्रेस चल रही है और दूसरा है टेलीग्राम जहां पर जो ये टेलीग्राम ग्रुप्स हैं प्रोजेक्ट के वहां पर इंफॉर्मेशन पोस्ट होती रहती है प्लस अगर आपको यहां पर कोई क्वेश्चन भी है तो आप कम्युनिकेट करके यहां पर एडमिन से चेक कर सकते हो लेकिन इन दोनों एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और वो काफी डिटेल्ड वीडियो है तो इस वीडियो का भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हो कि जो आपने कॉइन्स यहां पर आपको इस वेबसाइट के ऊपर दिख रहे हैं अब उसको वेरीफाई कैसे करें या फिर उसकी अपडेट कैसे देखें कि क्या प्रोग्रेस चल रही है ट्विटर के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर तो उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हो इसके अंदर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आई होप अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कौन से इवेंट्स मैटर करते हैं और उन्हें फाइंड आउट कैसे करना है लेकिन ये जो इवेंट्स हैं और अभी जो करंट ऑल सीज़न चल रहा है इसके अंदर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना बाय द रूमर सेल द न्यूज़ इसका सिंपल मतलब ये है कि जब अनाउंसमेंट हो तब बाय कर लो लेकिन जब वो इवेंट डेट पास में आने वाली हो उससे पहले ही एग्जिट कर दो क्योंकि मेजरली जो प्राइस मूवमेंट होता है वो इवेंट डेट से पहले ही देखने को मिलता है और इवेंट डेट आने के बाद प्राइस डंप ही करती है तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर आपसे जो हमने कुछ कॉइन शेयर करे थे जो पोटेंशियल रिटर्न दे सकते थे उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है तो सबसे पहला कॉइन था कायबल नेटवर्क जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ फॉलो करते हैं अगर आप टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं वहाँ पर सिग्नल फॉलो किया था तो फोर्टी का रिटर्न है अगर आपने वीडियो देखने के बाद फॉलो किया तब भी थर्टी का रिटर्न कायबल नेटवर्क के कॉल के अंदर आया एंड अभी इसकी जो इवेंट डेट है वो जून एंड तक ये डेट का एग्जैक्ट अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ नहीं है उसके बाद रेन प्रोटोकॉल जो है इसने भी ठीक ठाक मूवमेंट किया लेकिन इतना अच्छा रिटर्न दिया यानी क्योंकि इन्होंने सीधे अपना जो प्लेटफॉर्म था रिलीज ही कर दिया फिर तो उसके कारण थोड़ा प्राइज राइज उस तरह का नहीं देखने को मिला लेकिन अगर आपने टेलीग्राम से सिग्नल को फॉलो करा तो ऑलमोस्ट थर्टी का यहाँ पर प्रॉफिट था एंड वीडियो देखने के बाद भी अगर फॉलो किया तो ऑलमोस्ट एलेवन का प्रॉफिट था विच इज विच इज नॉट बैड एंड जब इनका प्लेटफॉर्म रिलीज भी हो गया तो उसके बाद हमने टेलीग्राम पर पोस्ट करके भी बताया था कि अब यहाँ पर इनका रिलीज हो चुका है तो अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो प्रॉफिट बुक कर लो नहीं तो एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस आप लगा लो एंड उसका जो लास्ट कॉइन था यहाँ पर वो था बैंकोर नेटवर्क जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया इनफैक्ट इसका जो सिग्नल था हमने वीडियो के थ्रू ही शेयर किया था एंड उसके बाद ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड परसेंट तक का प्रॉफिट यहाँ पर बी एन टी नेटवर्क ने दे ने दिया था तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कॉइन्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न दे दिया एंड आई होप आप लोगों ने भी इस कॉइन के अंदर अच्छा रिटर्न यहाँ पर कमाया अगर इसी तरह से आप चाहते हैं और भी कॉइन्स में शेयर करूँ तो डेफिनेटली आप कॉमेंट्स में डाल के ये बताना तो वीडियो एंड करने से पहले बात करते हैं एक ऐसे पोटेटो कॉइन की जिसका इवेंट आने वाला है जो पोटेंशियल रिटर्न यहाँ पर दे सकता है और ये कॉइन है वर्च एक्सवीजी कॉइन जिसका ब्लॉक हाविंग इवेंट आने वाला है थर्टी फोर डेज के अंदर तो ये एक कॉइन है जिसका आप इवेंट फॉलो कर सकते हो एक्सवीजी के बारे में भी हमने सिग्नल दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और ऑलरेडी पर टू के के प्रॉफिट अंदर चल रहा है क्योंकि अभी इवेंट आने में टाइम है और अगर ऑल्ट मार्केट इसी तरह से पॉजिटिवली मूव करा तो यहां पर पोटेंशियल है कि एक अच्छा रिटर्न यहां पर मिल सकता है लेकिन आप ये मत सोचना कि ये कॉइन चले जाएगा दो सतोशी या हजार सतोशी उस तरह के रिटर्न नहीं आ सकते लेकिन एक रीजनेबल रिटर्न फिर भी निकल सकता है अगर ये ऑल्ट सीजन जो है ये इसी तरह से यहां पर चलता रहा क्योंकि बाकी इसी के कैटेगरी के जो दूसरे लो सतोशी कॉइन्स वो अच्छा परफॉर्मेंस दे गए हैं लेकिन इस कॉइन के अंदर आप ये ध्यान रखना अगर आप ट्रेड करें तो आप शॉर्ट टर्म प्रस्पेक्टिव से ही करना जब तक ये न्यूज है ताकि आप प्रॉफिट लो और निकल जाओ लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव से इस कॉइन को मत देखना आप तभी मैं इसको पोटेटो कॉइन बोलता हूँ तो ये कॉइन है जिसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो प्लस अगर आपने अभी तक हमको अगर टेलीग्राम के ऊपर नहीं ज्वाइन किया तो आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम रेगुलरली वहां पर काफी सारे सिग्नल्स देते रहते हैं जैसे बैंड प्रोटोकॉल का हमने अच्छा सिग्नल दिया था उसने काफी अच्छा रिटर्न दिया एक्सवीजी का भी दिया और बहुत सारे कॉइन्स के हमने सिग्नल दिए

तो इन सारी चीजों से काफी बच के रहना क्योंकि अभी ऑल सीजन चल भी रहा है तो ये खत्म भी हो सकता है किसी भी दिन तो वहां पर अगर खत्म हुआ तो बहुत बुरा आप फंस भी सकते हो अगर किसी शिफ्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ट्रेड वेरी केयरफुली किसी भी कॉइन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आप पहले से ही अपना सारा इवेल्यूशन कर लो मेरे को कितना प्रॉफिट लेना है कहाँ एंट्री करना है क्या स्टॉप लॉस है वर्ष के सिनारियों में कैसे एग्जिट करूंगा अगर कल को ऑल्ट सीजन खत्म हो जाएगा तभी आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाओगे एंड इस क्रिप्टो करेंसी स्पेस में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि आप यहाँ पर सर्वाइव और लंबे टाइम तक अपना करियर तभी बना सकते हो जब आप खुद को सेल्फ एजुकेटेड रखो आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख ने का कोशिश करो और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो आपको मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे एंड इन दी एंड सुनो सबकी इट इज़ नॉट बैड मेरी सुनो बाकी लोगों की सुनो लेकिन करो इन दी एंड खुद की खुद की रिसर्च के ऊपर क्योंकि यहाँ पर पैसा भी आपका है प्रॉफिट कमाओगे तो आप ही कमाओगे और लूज भी करोगे तो आप ही करोगे तो बी वेरी सेंसिबल वैन यू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज क्योंकि ये जो पूरा मार्केट है इसको आप तभी सर्वाइव कर सकते हो जब आप खुद सेल्फ अवेयर होगे और खुद सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पर बनोगे तो गाइज़ आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक टू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना जैसे मैंने पहले बोला घंटी बजा के भागने वाली चीज़ें मत करो घंटी <laughs> बजाओ खड़े रहो तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर プレゼント